भाई यूं ही बदनाम कर रखी है यार इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, 180 mm 180 mm बोल बोल के। भाई इसको कहीं कुदा लो यार, ऐसी गाड़ी है ये। हेलो भाइयों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो भाई आज यहाँ रखी है XUV 300, XUV 300 जो बोल दो आपको बढ़िया लगे। तो भाई आज ये वीडियो बनाने वाले हैं हम इसके सस्पेंशन के ऊपर कि भाई ये ऐसे बहुत महिंद्रा की गाड़ी है, महिंद्रा की गाड़ी बोलते हैं। अब देखते हैं भाई ये कैसी है, रफ एंड टफ है कि नहीं, चल पाएगी ऐसे रास्तों पे, कच्चे रास्तों पे। तो भाई कुछ ऐसी सी इसकी चाबी आती है, वही महिंद्रा वाली है भाई। महिंद्रा वाले सारी यही चाबी दे रहे हैं भाई, चेंज कर लो अपनी XUV 700 थार तो स्कॉर्पियो नहीं आ रही उसमें भी, बस ये लोगों को चेंज कर रखा है भाई, थोड़ा चाबी पे काम करो यार। तो बाकी भाई इस गाड़ी के बाद भी बात कर लें। काफ़ी लोग कहते हैं इसका भाई टायर बहुत पतला है, इसका प्रोफाइल बड़ी पतली है। तो मैं आपको पहले प्रोफाइल बता दूँ, कीचड़ में सेंडर की कहाँ लिखी भाई बीर अभी ना है। हाँ तो भाई ये है 215/55R17। तो भाई 215/55 है, 55 तो काफ़ी पतली प्रोफाइल है भाई, इसमें लोग डर जाते हैं भाई इसको गड्ढे वड्ढे मिल जाने से भाई, इतनी पतली प्रोफाइल भाई कंफर्ट नहीं देती है, गड्ढे बहुत आते हैं भाई। मैं अभी चला के आ रहा हूँ भाई, इसको कुछ पता नहीं लगेगा आपको कुछ। भाई एक और बात मैं बताना चाहूँ, जो बोलते हैं ना कि पतली प्रोफाइल के बड़े नुकसान हैं, तो भाई इसके फ़ायदे भी खूब हैं। अब जितनी पतली प्रोफाइल होती है हाईवे पे उतनी बढ़िया चलती है, चिपक के चलती है। जैसे आपने देखी होगी थार झूले खाते हुए चलती है वो, तो और भाई ये चलती है एकदम चिपकते हुए, आपको कॉर्नरिंग करनी हो, लेन चेंज करनी हो, भाई ये चीज़ें वहाँ काम आती हैं। और भाई यार इस गाड़ी से ये हटा दो ना, तो यार कोई कह ना सकता है कि ये भाई महिंद्रा की गाड़ी है ऐसी है भाई, काफ़ी लग्जरी बना दिया भाई, काफ़ी लग्जूरियस बना दी है गाड़ी भाई। सेगमेंट में इसके सबसे बड़े अलॉय आते हैं भाई, कोई ना टाटा नेक्सॉन देती है, ना सोनेट देती है, ना ब्रेजा देती है भाई, 17 इंच के कोई नहीं देती है, बाकी महिंद्रा देती है इसमें। और भाई आज हम चेक करने वाले हैं इसका सस्पेंशन, क्योंकि सस्पेंशन सुनने में आता है इसका काफ़ी अच्छा है, इसको थोड़ा चलाएंगे थोड़ा ऊबड़ खाबड़ रास्तों में, थोड़ा ऊपर नीचे पूरे टेस्टिंग कर लेंगे भाई इसकी। भाई इस गाड़ी के जो ये DRL है ना, इससे भाई रात में बहुत भयंकर लगे हैं भाई, ये बता रहा हूँ बहुत तगड़े लगते हैं, पता नहीं मुझे मुझे तो बड़े पसंद है यार। कमेंट करके बताना आपको कैसे लगते हैं भाई। चलते हैं आज करते हैं इसको पूरा टेस्ट, बस गाड़ी तोड़ेंगे नहीं, बाकी आता है इसमें सनरूफ भाई, सनरूफ से निकाल निकाल के वीडियो बनाएंगे। Look, hey, why do I know that my time coming up? Out of my mind, all my time ain't enough. Stayed on my grind many times, I was stuck. Had to wax the rail, rip a tray out like I'm young, cause I am in the scenes I got. Here I see rappers lying, dark roads, high beams. I know they hiding, but what you hiding from? You trying to run, you know I'm about to grill your ass. तो भाई हम आ गए यहाँ पंडाला में, पता नहीं भाई कौन सी जगह है, ले लिए बस रोड से उतार लिया, देखते हैं भाई ठीक ठाक ऑफ रोड तो है, अब कैसी चलती गाड़ी, फस फुस ना जाए। काफ़ी ढलान है भाई इसमें, तो गाड़ी भिड़ गई ना भाई थोड़ी सी, पापा निकाल देंगे भाई घर से निकाल देंगे सीधा, ये तो बड़ा आसानी से कर गई भाई, ये तो कुछ ना है इसके लिए। कोई एक्सट्रीम ढूंढते हैं यार, कुछ बढ़िया सा ऑफ रोड ताकि देखने में थोड़ा मज़ा सा आ जाए एकदम। तो भाई यहाँ लेते हैं इसको, अब देखते हैं कैसी चलती है, दलदल तो है भाई। भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया भाई, एकदम ही ढलान है भाई, कैमरे में नहीं दिख रही होगी बट भाई ये बहुत नीचे है, चढ़ाने पे यहाँ से देखते हैं यार कैसे चढ़ती है, कितनी आसानी से चढ़ जाती है। चढ़ गई भाई, चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई भाई, चढ़ गई भाई, तेल भी खत्म भाई तेल। तो भाई ये थी XUV 300 की ड्राइव, थोड़ा सा हमने इसको चलाने की कोशिश करी, देखते भाई देखा भाई कैसी है, बट भाई मैं बोलना चाहूँगा भाई ये मतलब सॉलिड है भाई एकदम गाड़ी, छोटे मोटे ऐसे गड्ढों में तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप ऐसे में चला रहे हो, कोई खड़खड़ नहीं, कोई सस्पेंशन नॉइस नहीं भाई, कहीं आपकी गाड़ी फंसेगी नहीं, इतने बड़े टायर दे रखे हैं भाई, मतलब है भाई दम है भाई गाड़ी में। तो भाई वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, गुड बाय।